गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू कैरे डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2020, जो क्लास 9th का सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर। इसमें मैंने 13 क्वेश्चंस लिए हैं पार्ट वन में, और जो रेस्ट जो 12 क्वेश्चंस हैं वो हम पार्ट टू में डिस्कस करेंगे। सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। Who granted East India Company the sole right to trade with the East? यानी कि किसने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है राइट दिया था ट्रेड करने का, व्यापार का, व्यापार करने के लिए राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, ईस्ट के साथ। रॉबर्ट क्लाइव, क्वीन एलिजाबेथ वन, जॉन रिचर्डसन, क्वीन एलिजाबेथ टू। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दी क्वीन एलिजाबेथ वन। और उन्होंने ऐसा क्यों करा, उन्होंने उनको जो है ट्रेड करने के लिए राइट क्यों दिया, क्वीन एलिजाबेथ ने? बिकॉज दिस वाज डन टू एनकरेज द कंपनी टू कंटिन्यू इट्स ट्रेड प्रैक्टिसेस, सो दैट कि जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपना जो ट्रेड है वो जो है जारी रखे। और इन्हें एक और मोटिव था कि ये जो है डच मोनोपोली को जो है, जो डच की मोनोपोली बनी हुई थी उनको ब्रेक कर सके, उनको तोड़ सके। सो दिस वाज द मोटिव कि जहाँ पर जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो राइट दिया गया, सो दैट कि डच की जो मोनोपोली है ऑपरेटिंग स्पाइसेस विद द ईस्ट वो जो है खत्म हो जाए। अब इसमें हम वन बाय वन जो है ऑप्शंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे रॉबर्ट क्लाइव। जो रॉबर्ट क्लाइव हैं, इनको क्लाइव ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, एंड ही इज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी। दूसरा है, इनको जो है क्रेडिट दिया जाता है किनके साथ, रॉबर्ट क्लाइव को वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, फॉर लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। रॉबर्ट क्लाइव ने वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ मिलके जो है ब्रिटिश एम्पायर की जो है नींव रखी थी। द नेक्स्ट वन इज योर क्वीन एलिजाबेथ टू। क्वीन एलिजाबेथ टू जो है आपकी, ये जो है यूके की क्वीन थी, क्लियर। और द नेक्स्ट इज बहुत लंबे समय तक जो है इन्होंने रूल करा था देन एनी अदर मोनार्क इन ब्रिटिश हिस्ट्री। अगर हम ब्रिटिश की हिस्ट्री उठा के देखें तो जो सबसे लंबा रूल जो है वो इन्होंने ही करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली कौन सी महिला है जो प्रेसिडेंट बनी थी? सरोजिनी नायडू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, बेगम रोकेया शकवत हुसैन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर सरोजिनी नायडू, विच इज ए ऑप्शन। फर्स्ट वुमेन, इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, कानपुर का सेशन उस टाइम पे चल रहा था 1925। द नेक्स्ट वन इज कमला नेहरू, शी वॉज द वाइफ ऑफ जवाहरलाल नेहरू। द नेक्स्ट वन इज कस्तूरबा गांधी, ये जो है She was the wife of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ji ki wife thi ye Kasturba Gandhi. And the next one is Begum Rukaiya Shakwat Hussain. Ye jo hai, ye ek Bengali writer hai, educator hai from British India. I hope these explanations are clear to you. The next question is, land covered with grass shrubs on which animals can graze freely is known as fallow land, overgrazing, pasture or agriculture land. So the correct answer for this is your pasture. Grass shrubs kya hota hai, ghas ki chhadiyan, जहाँ पर कि जो एनिमल्स है इजीली चर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं फ्रीली जो है।
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पैश्चर। पैश्चर एक बहुत बड़ा लैंड का एरिया होता है जो कि कवर अप होता है, किससे? कवर्ड विद ग्रासेस एंड श्रब्स। और ये जो है पैश्चर लैंड जो है ये यूजफुल होती हैं फॉर एनिमल ग्रेजिंग। एनिमल ग्रेजिंग के लिए जो है ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं, जो भी पशु हैं जो भी चरते हैं उनके लिए काफी। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप जो आ जाते हैं दैट इज योर हॉर्सेस, योर शीप, योर डोमेस्टिक एनिमल्स जो पशुओं को पालते हैं, कैटल एंड लाइव स्टॉक। नाउ वी विल गो फॉर द ऑप्शंस वन बाय वन। फैलो लैंड। फैलो लैंड होती है आपकी, अगर हमने कोई भी चीज बोनी है किस धरती पे, बोने के लिए तैयार करने वाली भूमि या फिर लैंड, क्लियर? एंड द ओवर ग्रेजिंग इज दैट इज योर यू कैन से कि अत्याधिक चराना, जरूरत से ज्यादा, जहाँ पर हम एनिमल्स को अलाउ करते हैं कि जहाँ पर हम काऊ को जो है, गाय जो है उनको अलाउ करते हैं कि भी वो जो है टू ईट द ग्रास ऑन एन एरिया ऑफ लैंड, लंबे समय तक जो है चरती रहे उस लैंड पर। सो दैट इज कॉल्ड योर ओवर ग्रेजिंग। सो दैट जो घास है वो जो है डिसअपियर हो जाए कंप्लीटली और जो लैंड जो है वो नो लॉन्गर कैन बी यूज्ड, उसके बाद जो है उसको यूज ना करा जा सके। एग्रीकल्चर लैंड, यू ऑल नो, डिवोटेड टू एग्रीकल्चर ओनली, पर्टिकुलरली द रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। एग्रीकल्चर दैट इज यूज फॉर रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक एंड क्रॉप्स की प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, लोगों के लिए जो है खाना जो है प्रोड्यूस, यानी कि जो है फसलें जो है बो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर एग्रीकल्चर लैंड। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर नेम ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हमने उस पहली कंट्री का नाम बताना है जिसने जो है वर्ल्ड में जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को डेवलप करा है। नॉर्वे है, पाकिस्तान है, इंडिया है या स्विट्जरलैंड? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर नॉर्वे। ये है जो नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग द हाइड्रो पावर। ये इलेक्ट्रिसिटी को जो है प्रोड्यूस करने का एक प्रोसेस है विद हेल्प ऑफ यूजिंग द हाइड्रो पावर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स इज कॉल्ड, पॉन्ड होते हैं आपके तालाब, क्लियर? अब आंसर फॉर दिस इज एग्रीकल्चर, सीरीकल्चर, पीसीकल्चर और विटीकल्चर। जो फिश को ब्रीड करा जाता है, प्रजनन, ब्रीडिंग मीन्स प्रजनन, इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड जो उनके लिए टैंक्स और पॉन्ड बनाए जाते हैं तो उस चीज को क्या बोला जाता है? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर पिसिकल्चर, विच इज कॉल्ड, हिंदी में हम बात करें, मछली पालन, जहां पर मछलियों को पाला जाता है, क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्शन सीरीकल्चर। सीरीकल्चर होता है जहां पर जो है इट इज द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स। कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म्स टू प्रोड्यूस सिल्क। सिल्क वॉर्म आपने देखा होगा कि रेशम के जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़ों का पालन को जो हम क्या कहते हैं, सीरीकल्चर कहते हैं। और उससे क्या बनता है, आपका सिल्क प्रोड्यूस होता है। द नेक्स्ट वन इज विटीकल्चर। ये होता है आपका, विटीकल्चर इज फॉर वाइन ग्रोइंग, इट इज अ कल्टीवेशन ऑफ, ये आपका कल्टीवेशन है, किस चीज की खेती है, कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल को काटना या फिर काट के जो इकट्ठा करते, दैट इज कॉल्ड योर हार्वेस्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमदाबाद इज रेफर्ड एज द डैश ऑफ इंडिया, रूर, मैनचेस्टर, बॉस्टन, शिकागो।
So the correct answer for this is B, Manchester. Ahmedabad is referred as the Manchester of India. अब जो है मैनचेस्टर जो सिटी है ये एक इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन ऑफ यूके, यूके में ये इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से एक डेवलप्ड रीजन है एंड इट इज पॉपुलर फॉर कॉटन इंडस्ट्रीज. कॉटन इंडस्ट्रीज के लिए जो है ये पॉपुलर है. और इन द सेम वे जो आपका जो अहमदाबाद है हैज लॉट ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज वेयर जो जहाँ पर जो है कॉटन टेक्सटाइल को जो है प्रोड्यूस करा जाता है. सो दैट्स व्हाई अहमदाबाद इज रेफर्ड एज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ राज्यसभा. ए ऑप्शन इज 233, 12, 22 और 250. सो यहाँ अब बात करी गई है कि जो राज्यसभा है उसमें जो है कितने मेंबर जो है प्रेसिडेंट के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट करे जाते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस इज 12. थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देती हूँ. राज्यसभा की जो है एज पर अर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान से सुनना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, कि टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 250 है, विच इज इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है 238 और 12. 238 आपके स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होके आते हैं एंड द 12 बाय जैसे कि प्रेसिडेंट के द्वारा. एट प्रेजेंट जो हमारी राज्यसभा के मेंबर्स की स्ट्रेंथ है दैट इज कॉल्ड योर 245, जिसमें कि 233 हमारे, दीज आर द इलेक्टेड वंस. ये हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो गई, ये हमारे नॉमिनेटेड हो गए 233 एंड द 12 सेम वन नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. द नेक्स्ट वन इज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन डैश राउंड 1750. क्लियर, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये कब स्टार्ट हुआ था, फ्रांस में, ब्रिटेन में, रशिया में या फिर नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर ब्रिटेन. जो आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ था इन द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी, 18th सेंचुरी के मिडल में. ये जो रेवोल्यूशन है इट वाज अ शिफ्ट फ्रॉम, ये शिफ्ट करा गया था कहाँ से, शिफ्ट फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड मैनुअल लेबर. यहां से शिफ्ट करके किसमें कर दिया गया था कन्वर्ट, टू फैक्ट्री बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसमें जो है ये शिफ्ट कर दिया गया था. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल विद द बैटल ऑफ, जो ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे विजय पाई थी वो किस बैटल से, विद द बैटल ऑफ विच, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, श्री रंगपट्टम वार एंड द बैटल ऑफ सरायघाट. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर बैटल ऑफ प्लासी, विच इज अ बी ऑप्शन. बैटल ऑफ प्लासी जो है ये कब लड़ी गई थी, 1757 में जो है आपकी बैटल ऑफ प्लासी जो है लड़ी गई थी. किन किन के बीच में, बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला जो कि नवाब थे बंगाल के. और जो आपकी द कंपनी वन, इसमें जो है जीता कौन था, द कंपनी वन दिस बैटल एंड और इनको क्या है एक राइट ग्रांट करा गया था कि ये जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं. कहाँ पर, फ्री ट्रेड इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा. क्लियर. द नेक्स्ट वन इज योर बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर जो है
मीर कासिम ने जब बैटल ऑफ बक्सर लड़नी थी तो मीर कासिम ने जो है हेल्प मांगी थी, इट वाज बेसिकली बिटवीन मीर कासिम एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन मीर कासिम ने किसकी हेल्प से जो है बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ी थी? मीर कासिम टुक हेल्प फ्रॉम शाह आलम टू एंड योर नवाब ऑफ अवध, अवध के जो नवाब थे दैट इज कॉल्ड शुजा उद्दौला। क्लियर? मीर कासिम ने जो है ये जो फाइट है बैटल ऑफ बक्सर जो है लड़ी थी विद द हेल्प ऑफ, इसमें किससे जो हेल्प मांगी थी? शाह आलम टू से, और जो अवध के नवाब है शुजा उद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। अब यहाँ पर क्या है, ये तीनों जो है लीडर्स जो हैं लड़े थे एंड जीता कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी वॉन इन दी बैटल ऑफ बक्सर। नेक्स्ट इज श्रीरंगपट्टम वार, ये जो है आपकी थी, दिस वॉज बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किंगडम ऑफ मैसूर, इनके बीच में लड़ी गई थी। इसको जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट फोर्थ एंग्लो मैसूर वार भी कहते हैं, फोर्थ एंग्लो मैसूर वार। क्लियर? अब आता है आपका बैटल ऑफ सरायघाट, ये जो है एक नेवल बैटल लड़ी गई थी इन 1671, 1671 में, किनके बीच में? मुगल एम्पायर वर्सेस अहोम किंगडम, जो आपका मुगल एम्पायर था वर्सेस अहोम किंगडम। द नेक्स्ट वन इज द एक्ट ऑफ न्यू दिल्ली वॉज, न्यू दिल्ली के एक्ट कौन थे? एडविन ल्यूटेंस एंड एच बेकर। द नेक्स्ट वन इज किंग जॉर्ज फाइव, लॉर्ड लिटन और क्वीन एलिजाबेथ। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज एडविन ल्यूटेंस एंड एच बेकर। ये जो है आपके ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिजाइन करी थी द सिटी ऑफ न्यू दिल्ली। कब इन्होंने डिसाइड करी थी? आफ्टर इट वाज अनाउंस दैट द, जब जो है कैपिटल जो है हमारी जो है कोलकाता से जो है दिल्ली शिफ्ट कर दी गई थी इन 1911, तो उसके बाद जो है इन लोगों ने जो है ब्रिटिश आर्किट इन्होंने जो है दिल्ली की जो सिटी को है डिजाइन करा था। और जो आपकी न्यू दिल्ली जो है वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड, जो आपकी न्यू दिल्ली है वो फॉर्मली कब इनोग्रेट हुई थी? ऑन 13th Feb 1931। किसके द्वारा? बाय वॉइस रॉय एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कॉल्ड लॉर्ड इरविन। द नेक्स्ट वन इज किंग जॉर्ज फाइव, ये जो है यूके के किंग हैं और जो है ये इंडिया के एम्परर भी रहे हैं। कब से कब तक? 6 मई 1910 से लेके, ठीक है, और अंटिल इनकी, जब तक इनकी डेथ नहीं हुई तब तक, दैट इज इन 1936। लॉर्ड लिटन का जो टाइम पीरियड है दैट इज बिटवीन 1876 से लेकिन 1880 तक का जो है इनका जो है टाइम पीरियड रहा है। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में मैं ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन में जो है आपको क्लियर अप कर चुकी हूँ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज, जो एक से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट होती है उसको क्या, एक से ज्यादा लेवल की जो गवर्नमेंट जो एग्जिस्ट करती है उसको क्या कहते हैं? फेडरलिज्म, सेक्युलरिज्म, मार्जिनलिज्म, कम्युनलिज्म। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज फेडरलिज्म। और ये जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है। आपको पता ही है कि इंडिया में जो है गवर्नमेंट है वो तीन लेवल पर होती है, सेंटर, स्टेट एंड पंचायती राज सिस्टम। इन तीनों तीनों लेवल पर जो है काम करा जाता है, पंचायती राज और सेंटर और स्टेट। तो थ्री टाइप्स की गवर्नमेंट होगी। तो हमारे इंडिया में जो है जो गवर्नमेंट का दैट इज कॉल्ड थ्री टायर सिस्टम। क्लियर? थ्री टायर सिस्टम कह लो और या फिर हम कह लो जो गवर्नमेंट के जो है थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर?
द नेक्स्ट वन इज मार्जिनलिज्म. इट इज अ कंसेप्ट, ये आपका ना एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है, उसका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है. जहां पर जो है आपका जो है, अगर आप मार्जिनल बेनिफिट को इंक्रीज करें, फिर इंक्रीजिंग द मार्जिनल बेनिफिट कैसे, कब इंक्रीज कर रहे हो, जब आप अपनी कॉस्ट जो है उसको जो है मिनिमाइज कर रहे हो. मिनिमाइज योर मार्जिनल कॉस्ट, क्लियर. इसलिए मैंने ये डाउन किया, फॉर मिनिमाइज इंक्रीज कर रहे हो बेनिफिट को लेके. बाय मेकिंग, और ऐसा क्यों करा जा रहा है, सो दैट कि आप थोड़े से जो है इंक्रीमेंटल चेंजेस जो है उसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर पाए. बाय मेकिंग स्मॉल इंक्रीमेंट चेंजेस टू द कोर्स ऑफ एक्शन. कॉम्युनिज्म होती है सांप्रदायिकता, जहां पर हम क्या है जो एक पर्टिकुलर जो है कौम को जो है उसकी तरफ स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट, स्ट्रॉन्ग लॉयल्टी दिखाते हैं. इट इज इन केस ऑफ योर रिलीजन और योर एथिक्स, क्लियर. और जिससे क्या होता है, आपकी जो है प्रोटेस्ट होता है भावना, क्योंकि क्या होता है हमारी कम्युनिटी में ये बोल दिया जाता है कि ये कौम अच्छी है, ये कौम नहीं अच्छी है, ये बुरी है. तो सोसाइटी एज ए होल कंसिडर करने की बजाय हम किस चीज में बिलीव करने लग जाते हैं, कौम में, क्लियर. हम एक पर्टिकुलर कौम को जो है उसको इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं. दैट इज कॉल्ड योर कम्युनलिज्म. और सेक्युलरिज्म, यू नो दैट आवर कंट्री इज सेक्युलर, वी रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन, देयर इज नो पर्टिकुलर रिलीजन, सो दैट इज कॉल्ड योर सेक्युलरिज्म. Now the next question is money bill is introduced. Money bill जो है आपका जो है ये कहाँ पर introduced होता है? Only in Rajya Sabha, only in Lok Sabha, in both the houses, या फिर by the speaker of Rajya Sabha. So the correct answer for this is that is B, only in Lok Sabha. पहली बात, मनी बिल होता क्या है? मनी बिल आर बिल जो कि आपका जो है टैक्सेशन से रिलेटेड होता है, बोरिंग ऑफ मनी और एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट. सो दिस इज योर मनी बिल. और अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, मनी बिल्स जो है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होते हैं. लोकसभा से जो है बिल पास होके किसके पास जाता है? राज्यसभा के पास. तो राज्यसभा को जो है ये जो मनी बिल है रिटर्न करना होता है टू द लोकसभा विद इन 14 days. क्लियर. आई होप पॉइंट्स आर एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशंस आर क्लियर टू यू. एंड द लास्ट वन फॉर दिस सेशन इज, In which state of India is the Jim Corbett National Park is located? जो आपका Jim Corbett National Park है, ये static GK का question है आपका National Parks वाले chapter में से. तो ये कहाँ पर located है? उत्तराखंड, गुजरात, असम और उत्तर प्रदेश. So the correct answer for this is उत्तराखंड. ये जो है आपका उत्तराखंड में नैनीताल and पौड़ी district में है. और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, एस्टेब्लिश कब हुआ था ये? इन 1936. अब हम कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर लेते हैं, रेस्ट जो हमारे पॉइंट्स हैं. गुजरात के जो आपका नेशनल पार्क या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, दैट इज योर गुजरात का जो है आपका ब्लैक बक नेशनल पार्क और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द नेक्स्ट वन इज असम. असम का जो आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गरम पानी एंड नेक्स्ट वन इज योर काजीरंगा, वेरी फेमस काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. द नेक्स्ट वन इज योर उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का जो है आपका चंद्रप्रभा एंड द नेक्स्ट वन इज
दोनों अलग अलग हैं। दुधवा नेशनल पार्क चंद्रप्रभा सेंचुरी है, और जो आपके जो है दुधवा जो है नेशनल पार्क। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैरे डिफेंस स्कूल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 2020 क्लास 9 सोशल स्टडीज का सैंपल पेपर पार्ट 2। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम 13 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, एंड आई होप ऑल द 13 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू ऑल। एंड इन टुडेस सेशन वी विल डिस्कस द अनदर 12 क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट ऑफ इंडिया is the highest producer of jute। कौन से स्टेट इंडिया की ऐसी है जो कि जूट में जो है हाईएस्ट प्रोडक्शन है? असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज योर वेस्ट बंगाल। असम जो है हमारी टी की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। बिहार जो है हमारी वेजिटेबल्स और फ्रूट दोनों में ही है, और वेजिटेबल्स में जो ये इंक्लूड करते हैं वो है पोटैटो, ऑनियन, एग प्लांट एक्सेट्रा। एंड आपकी जो फ्रूट में है बिहार, दैट इज योर लीची। एंड पाइनएप्पल में जो है ये पाइनएप्पल में योजना स्टेट इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। द नेक्स्ट वन इज योर यूपी उत्तर प्रदेश, दैट इज योर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इंजॉय equal political right, let their rulers rule and hold them accountable is a meaning of this statement। government kind of government jahan par logo ko political right jo hai equal milte hain, jahan par unko unko opportunity hai so to let their representative and hold them accountable। So the correct answer for this is secular democratic socialist or republic। हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक। दे हैव द पावर टू वोट। हम पावर होती है हमारे देश में जो इनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो जो है गवर्नमेंट को जो है फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। द फर्स्ट वन इज, अब हम वन बाय वन जो है इसके जो है पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट वन इज योर सेकुलर। यू ऑल नो दैट हमारे इंडिया में जो है सिटीजन्स जो है उनको कम्प्लीट राइट है, कम्प्लीट फ्रीडम है टू फॉलो एनी रिलीजन, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। आपको पता है कि जो हमारा देश है इंडिया है वहाँ पर कोई पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करा जाता। इंडिया इज नॉट अ पर्टिकुलर रिलीजन कंट्री। सो यहाँ पर हर जो रिलीजन के रिस्पेक्ट है दैट इज कॉल्ड योर सेक्युलर। देन योर सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मीन्स जो आपकी वेल्थ है वो इक्वली जनरेट करी जाती है एंड शुड बी शेयर्ड इक्वली बाय द सोसाइटी। द नेक्स्ट वन इज योर रिपब्लिक। अब यहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है, हेड ऑफ द स्टेट। यहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट मतलब यहाँ पर जो है राज्य का मतलब नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट मीन्स योर कंट्री के हेड, विच इज अ प्रेसिडेंट। क्लियर। हेड ऑफ द स्टेट आपके एक इलेक्टेड पर्सन होते हैं, लोगों के द्वारा इलेक्ट करे जाते हैं। नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन, यानी कि ये नहीं है कि एक घराने से बिलोंग करते हैं आगे उनके बेटे उनके बेटे, इस तरीके से नहीं। हेरिडिटरी नहीं है, नॉट अ हेरिडिटरी पोजिशन। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट को जो राइट होता है सोशलिस्ट में जो है
they have the right to regulate the ownership of land and industry so that ki jo jitni bhi hamari social economic activities hain wo reduce ho sake. Jitni bhi inequality the social economic act, not activities basically inequalities clear asamantaen unko reduce kara jaye. Moving on to next question, in order to prevent religion based exclusion and discrimination of lower caste, the Indian constitution bans, that is your untouchability, religious practices, religion or your religious institution. Agar humne kisi bhi religion ko if you want to prevent religion based exclusion or discrimination means your bhedbhav of lower caste ki lower jati se belong karta hai, to is cheez ko leke ye kaun se article mein in cheezon ko hataya gaya hai as per our Indian constitution. So the correct answer for this is untouchability, jise chhuachhoot kehte hain, and this comes under your article 17. The next question is sustainable development seeks to prevent. Jo sustainable development hai wo kin cheezon ko jo hai prevent karti hai? Wastage of resources, pollution, loss of biodiversity ya fir all of this. So the correct answer for this is all of this, D option. तो बात कर लेते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की. ये एक तरह से हमारी जितनी भी प्रेजेंट नीड है उनको जो है मीट करता है, सो दैट कि आने वाला जो टाइम है उससे हम जो है कंप्रोमाइज ना करें. और इसका जो एम होता है दैट इज टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस, to reduce pollution and to prevent the loss of biodiversity. So this is the aim of your sustainable development. The next question is, of the earth's total water resources, the fresh water easily accessible for our use. Ab jo hamare earth mein jitne bhi total jitne bhi water resources hain usme se जो फ्रेश वाटर की बात करेंगे यहाँ पर, फ्रेश वाटर जो है कितने परसेंट जो है इजीली एक्सेसिबल है हमारे यूज के लिए, दैट इज मोर देन 90%, 50%, 1% या लेस देन 1%. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज सी, ओनली 1% वाटर इज इजीली एक्सेसिबल फॉर आवर यूज. जो हमारा फ्रेश वाटर होता है That makes up a very small percentage. बहुत ही कम परसेंटेज है इसकी. Small percentage of water on earth. यहाँ पर मैं पूरे अर्थ की बात. That is your 2.5%. अब बात यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि easily accessible for our use, हमारे यूज के लिए जो है कितना परसेंट है easily हमें मिल जाता है. सो दैट इज आउट ऑफ दिस, जिसमें से कि इस 2.5% में से ओनली 1% जो है दैट इज जो है इजीली एक्सेसिबल है, और जो रेस्ट ऑफ द वाटर है, जो रेस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर है वो हमें किसकी फॉर्म में मिलता है, दैट इज पॉलियोफ्रोजन आइसबर्ग्स, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा. सो The next question is, these are made to protect our natural vegetation and wildlife. एक definition दी गई है, इसका meaning बनाना है. These are made, ये जो चीजें बनी गई हैं हमारे natural vegetation को protect करने के लिए, हमारी wildlife को protect करने के लिए, कौन से national park, wildlife sanctuaries, biosphere reserve या फिर all of these. So the correct answer for this is all. That is D. नेशनल पार्क जो है वो भी प्रोटेक्ट बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये एरियाज ऑफ प्रोटेक्शन हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ, बट नॉट फिक्स्ड बाउंड्रीज, बट नो बाउंड्रीज इसमें फिक्स नहीं होती हैं. इसमें जो है एज पर गवर्नमेंट बाउंड्रीज are fixed.
और ये किसके प्रोटेक्शन करते हैं? नेशनल पार्क, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, और जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये एरियाज ऑफ प्रोटेक्शन होती हैं जो वाइल्ड लाइफ को जो है प्रोटेक्ट करती हैं, बट देर इज नो फिक्स बाउंड्री। और जो आपका बायोस्फीयर रिजर्व है दैट इज योर, ये बहुत इन दोनों के कंपैरिजन काफी बड़ा एरिया होता है, काफी वास्ट एरिया होता है, क्या प्रोटेक्ट करता है, वास्ट एरिया टू प्रोटेक्ट एंटायर बायोडाइवर्सिटी। सो द जो सबसे बड़ा होता है दैट इज योर बायोस्फीयर रिजर्व। देन नेशनल पार्क्स में आपकी बाउंड्रीज फिक्स्ड होती हैं और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में जो है आपकी जो है बाउंड्रीज फिक्स नहीं होती। नेक्स्ट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड इज ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूएसए, रशिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर इंडिया। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ मीका इन द वर्ल्ड। ये आपका जनरली कहाँ पाया जाता है? मीका डिपॉजिट मेनली अकरिंग ये आपका पाया जाता है दैट इज इन झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड योर राजस्थान। The next one is Australia is the largest producer of iron ore. USA जो है आपका पेट्रोलियम के लिए है। अभी एक चीज और बताती हूँ कि जो रिसेंटली जो है एज पर द रिपोर्ट्स जो आपका ऑस्ट्रेलिया जो है फॉसिल फ्यूल्स के लिए बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है। ये 2020 की न्यूज है, जुलाई की, फॉसिल फ्यूल्स जो आपका ऑस्ट्रेलिया है बिगेस्ट प्रोड्यूसर बन चुका है। द नेक्स्ट वन इज योर रशिया दैट इज फॉर नेचुरल गैस एंड सेकेंड लार्जेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर। आई होप दीज एक्स्ट्रा पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। द नेक्स्ट वन इज रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस आर नोन एज, जो हम जिनको हम रिन्यू कर सकते हैं, दोबारा से यूज कर सकते हैं, दोज रिसोर्सेज, उन रिसोर्सेज को हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल और यूजफुल। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज योर सी विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस दैट इज योर रिन्यूएबल सोर्सेज। सो द करेक्ट आंसर इज सी। इसके एग्जाम्पल है आप ले सकते हो आपका ऑक्सीजन हो गया, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये आपके हो गए। अब बात आती है कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच मीन्स डायरेक्टली हम देख सकते हैं कि विच कांट बी रिन्यूड, जो कि विच कांट बी रिप्लेस। तो कौन कौन से होते हैं मेन? ऑयल, नेचुरल गैस, कोल एंड न्यूक्लियर एनर्जी विच कांट बी रिप्लेस। और जो ये तीनों है, ऑयल, नेचुरल गैस और कोल, इनको क्या बोला जाता है? फॉसिल फ्यूल्स। अब आपके जो है एग्जॉस्टेबल रिसोर्सेज जो हैं वो नॉन रिन्यूएबल सेम होते हैं। एग्जॉस्टेबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सेम। एग्जॉस्टेबल आल्सो मींस नॉट रिप्लेसेबल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोल। सो जो कि आपके लिमिटेड होते हैं, अगर हम इनको यूज करते हैं तो इनकी जो क्वांटिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। द नेक्स्ट वन इज द एक्ट on the protection of women from domestic violence finally become a law. जो आपका ये एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, जितने भी वुमेन है उनको प्रोटेक्ट करना घरेलू हिंसा से, डोमेस्टिक वायलेंस से, ये फाइनली लॉ कब बना था? 2003 में, 2004 में, 2005 या 2006? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज इन 2005 दिस बिकम अ लॉ। ये एक्ट हमें दिस एक्ट नॉट ओनली प्रोटेक्ट्स वुमेन फॉर फ्रॉम फिजिकल वायलेंस बट आल्सो
जो आपका ये एक्ट है प्रोटेक्ट करता है वुमेन को इमोशनल, वर्बल एंड इकोनॉमिक अब्यूज। द नेक्स्ट वन इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट गारंटीज पीपल्स राइट टू। ये किस चीज की गारंटी देता है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है लोगों को किस चीज की गारंटी प्रोवाइड करता है? पीपल के राइट, नो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग्स, गेट यूनिवर्सल एजुकेशन, स्पीक आउट देयर डिसकंटेंट फ्रीली, या फिर होल्ड मीटिंग्स एंड पब्लिक गैदरिंग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज नो गवर्नमेंट प्रोसीडिंग। जितने भी गवर्नमेंट की प्रोसीडिंग होती है, गवर्नमेंट के कार्य होते हैं, उनमें जो है पूरा राइट होता है लोगों को उनके बारे में जानने का। ये जो है आपका राइट टू इंफॉर्मेशन है कि ये आपका 2005 में आया था, और इसका जो है ये जो है सिटीजन्स को राइट प्रोवाइड करता है टू एसेस द रिकॉर्ड्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। रीजन क्या है ये जो है क्यों एसेस करने दिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए? सो दैट की ट्रांसपेरेंसी आए लोगों के बीच में, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। लोगों को पूरा हक होता है। Moving on to next question, that is at the village level, the judicial functions are performed by village level पे जो है जो आपके law से related, कानून से related कौन से functions को perform करा जाता है? न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, district judge और municipal। So the correct answer for this is that is न्याय पंचायत। ये एक सिस्टम होता है सेटलिंग डिस्प्यूट्स एट विलेज लेवल। जितने भी झगड़े होते हैं विलेज लेवल पे जो है इसके अंदर जो है सॉर्ट आउट करे जाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन विलेजेस। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आपकी न्याय पंचायत होती है, दिस इज द पार्ट ऑफ विलेज पंचायत। सो जो आपकी न्याय पंचायत है ये किसका पार्ट है? ग्राम पंचायत और विलेज। डिस्ट्रिक्ट जगह आपको पता ही है, सो दैट इज फॉर कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट के लिए। मुंसिफ दैट इज योर जो कि मुंसिफ आपका होता है जो सबसे छोटा जज होता है ना, सब जज से जो छोटा होता है, जितने भी जजेस हैं उनसे जो छोटा होता है, जो कि दीवानी विभाग का, दीवानी डिपार्टमेंट का जो एक न्याय अधिकारी होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है। एग्जांपल इसका हम कह सकते हैं मुंसिफ मैजिस्ट्रेट। The next one is many of the India's most important mining and industrial centers. जो इंडिया के most important जो mining और industrial centers हैं वो कहाँ पर locate करते हैं? जमशेदपुर, रोरकेला, बोकारो और all of these. So the correct answer for this is B, that is all of these. जमशेदपुर that is in your Jharkhand. Your Rorkela that is in Odisha. और बोकारो दैट इज अगेन दैट इज इन योर झारखंड। और इन तीनों सिटीज को क्या बोला जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टील सिटीज ऑफ इंडिया। सो इन हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल 12 क्वेश्चंस रिलेटेड टू अवर सैम्पल पेपर। सो हमारा जो सैम्पल पेपर है 2020 का सोशल स्टडीज का वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। आई होप आपको सारी एक्सप्लेनेशन समझ आ रही होंगी और क्लियर हुई होंगी। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस, सो यू कैन राइट इट इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।